हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए, फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो बेसिकली देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कंप्यूटर प्रोसेस रन कराता है उसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सेकंड हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उस मेमोरी को कैसे मैनेज करना है वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। फोर्थ क्या है आपका, स्टोरेज मैनेजमेंट, जो डिस्क की स्टोरेज है, तो स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये चार काम करता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस पांचवा आप लिख सकते हैं यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। तो ये पांच काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता है। अब इन कामों को हम लोग वन बाय वन करके कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक। तो देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहले जैसे कोई भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, मान लीजिए ये है कंप्यूटर का से ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अब इससे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक इधर है, ठीक, एक ये कनेक्टेड है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए ये जो डिवाइस है ये हमारी क्या कनेक्टेड है, ये हमारी कनेक्टेड है हार्ड ड्राइव। अब हार्ड ड्राइव क्या होती है, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम कंप्यूटर के एक एक कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारी चीज़ों के बारे में लेक्चर ले चुके हैं। वो सारे लेक्चर चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो अगर उनमें से किसी में भी कन्फ्यूज़न है तो आप रिफ़र कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपको कनेक्ट हो गया हार्ड ड्राइव, ठीक। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पे ये कनेक्टेड है माउस, क्लियर, ये हो गया माउस। फिर ये हमने कहा कि ये कनेक्टेड है क्या, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड। अब मान लीजिए वीडियो कार्ड आपने ये बना दिया, ठीक, और उसके बाद वीडियो कार्ड से कहाँ जाएगा सिग्नल, ये जाएगा मॉनिटर में, तो यहाँ आप लिख दीजिए मॉनिटर, ठीक। उसके बाद साउंड कार्ड ले लीजिए, मान लीजिए ये साउंड कार्ड कनेक्टेड है, ठीक, ये हो गया साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके स्पीकर में, तो आप यहाँ मान लीजिए से ये आपने बना दिए स्पीकर, तो साउंड कार्ड से जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा स्पीकर में। और चूंकि ये साउंड कार्ड से स्पीकर, स्पीकर से वापस तो साउंड कार्ड में जाएगा नहीं, तो ये डबल डायरेक्शन के बजाय ये यहाँ से ये एरो हटाइए, केवल सिंगल साइडेड एरो रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका साउंड कार्ड में, ठीक। और सपोज, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कनेक्टेड होगा, और कनेक्टेड होगा कीबोर्ड, तो मान लीजिए ये आपका अपना कीबोर्ड कनेक्टेड है, तो इसको आपने लिख दिया कीबोर्ड, ठीक। तो ये सारी डिवाइसेस, जैसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया साउंड का वीडियो कार्ड के थ्रू, स्पीकर हो गया साउंड कार्ड के थ्रू, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये सारी डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहती हैं कंप्यूटर से, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारे टाइप नहीं डिस्कस हो सकते, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको, इन ए कंप्यूटर सिस्टम देयर इज ए ट्रेमेंडस स्पीड मिसमैच बिटवीन द सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। द जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू
इन द सेंस दैट इट हैज़ टू कीप द सीपीयू बिजी। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के जो सीपीयू की जो स्पीड होती है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, समझ रहे हैं, ये तो कई लाख मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है, और जबकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना इतनी तेज़ी से इनपुट दे सकती हैं और ना आप इतनी तेज़ी से इनपुट ले सकती हैं। तो ये जो स्पीड का मिसमैच है बीच में, स्पीड का जो मिसमैच है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इस तरह से कि हमारा सीपीयू टाइम जो है, जो हमारा सीपीयू है वो वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट ना हो, समझ रहे हैं आप। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि इसकी स्पीड में और इसकी स्पीड में जो मिसमैच है उसको इस तरह मैनेज करता है कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहे, क्योंकि बिजी नहीं रहेगा तो वो उतना वेस्टेज होगा, ठीक है। दिस इज अचीव थ्रू ओवरलैप प्रोसेसिंग। तो इसको कैसे वो अचीव करता है, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। मतलब क्या हुआ कि जैसे सीपीयू को आपने एक काम दिया, ठीक है, वो काम कर रहा है, तब तक आपने उसको दूसरा काम दे दिया, तब तक आपने उसको तीसरा काम दे दिया, तो एक काम के बाद दूसरे काम के बाद तीसरा काम जो आप देते रहेंगे उसको, तो ओवरलैपिंग मतलब कि ऐसे समझ लीजिए जैसे पहला प्रोसेस आपने दिया, पहला प्रोसेस इतना टाइम लेना है से T1 से TN तक, जब तक अभी पहला प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ आप क्या करेंगे, आपने उसको दूसरा प्रोसेस दे दिया, ठीक, से P1, फिर आपने P2 दे दिया, अभी P2 नहीं कंप्लीट हुआ है तब तक आपने वाली दूसरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो रहा है, जब तक आपने P2 नहीं कंप्लीट हुआ तब तक आपने तीसरा प्रोसेस दे दिया P3। तो इससे क्या होगा कि अब ये टाइम इंटरवल देखिए, इसमें सीपीयू मैक्सिमम बिजी है, यहाँ पे भी मैक्सिमम बिजी है, तो इस तरह प्रोसेस को ओवरलैप करा के एक प्रोसेस के ऊपर दूसरा प्रोसेस, दूसरे के ऊपर तीसरा प्रोसेस दे के हम सीपीयू को मैक्सिमम टाइम बिजी रख सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि अब डिवाइस मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो हमको पढ़ लेना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्या बेसिक फीचर होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्या होता है, पहला होता है स्पीड, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यूनिट ऑफ ट्रांसफर, अभी हम बताते हैं आपको ये क्या होता है, यूनिट ऑफ ट्रांसफर। तीसरा क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन। चौथा क्या है, परमिसिबल ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशन अलाउड है, परमिसिबल ऑपरेशंस। और पांचवा क्या है, एरर कंडीशंस, एरर कंडीशंस, ठीक है। छठा क्या है, शेयरिंग, और नेक्स्ट है आपका बफरिंग। नेक्स्ट स्पूलिंग, ठीक है। तो ये बेस स्पूलिंग, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो अब आपको ये एक एक करके समझना होगा। तो स्पीड में क्या है कि स्पीड तो आपको मालूम है कि द स्पीड ऑफ वन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड की स्पीड अलग होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड अलग होती है, प्रिंटर की स्पीड अलग होती है, तो इन सबको कैसे मैनेज करके चलना है वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेकेंड है आपका यूनिट ऑफ ट्रांसफर। यूनिट ऑफ ट्रांसफर में क्या होता है कि डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सच एज कैरेक्टर्स, वर्ड बाइट्स, ब्लॉक्स, रिकॉर्ड्स। मतलब यूनिट्स ऑफ ट्रांसफर में आप ये समझ लीजिए कि जो हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसी भी, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, ABCD हो गया, वर्ड बाइट भी हो सकता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड आपका ब्लॉक भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ ब्लॉक रिकॉर्ड्स भी हो सकता है। तो क्या यूनिट है ट्रांसफर की, उस हिसाब से कैसे काम करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तीसरा है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन की सारी वीडियो देखिए
ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए कि डाटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, आस्की कोड, EBCDIC कोड, ये सारे लेक्चर में ले चुका हूँ। तो डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ध्यान में रखता है और उस हिसाब से काम करता है। फिर आ गई बात आपकी परमिसिबल ऑपरेशंस। परमिसिबल ऑपरेशन मतलब कि द टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन अ डिवाइस इज रादर रिस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली एन इनपुट डिवाइस, द प्रिंटर इज स्ट्रिक्टली एन आउटपुट डिवाइस। हाउएवर, ए मैग्नेटिक डिस्क कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो जो परमिसिबल ऑपरेशन है किसी भी डिवाइस के लिए, उसको भी टेक केयर करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि भाई कीबोर्ड के लिए केवल इनपुट ऑपरेशन होगा, आपका प्रिंटर के लिए केवल आउटपुट ऑपरेशन होगा, मैग्नेटिक डिस्क है तो उसके लिए हम दोनों तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका एरर कंडीशन। एरर कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया कंप्यूटर से और उसमें कोई एरर आ गई, तो एरर के केस में जैसे एरर किस तरह की आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये सब डिटेल में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में, जैसे पैरिटी एरर होती है, पैरिटी क्या होती है इस पर एक सेपरेट लेक्चर डालना पड़ेगा तब आपको पैरिटी बिट समझ में आएगा, तो वो मैं कमिंग वीडियोस में डालूंगा आपको, नहीं तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो पैरिटी एरर आ गई। दूसरा क्या है, मान लीजिए हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, डाटा रीड कर रहे हैं, एंड आ गया उसका, एंड ऑफ मैग्नेटिक टेप आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। चेकसम एरर आ गया, एरर्स पे एक वीडियो सेपरेट डालनी पड़ेगी, चेकसम एरर आ गया, ठीक है। तो और साइक्लिक एरर आ गया, CRC। तो अगर किसी भी तरह की एरर आती है इस तरह की, तो उन एरर्स को हैंडल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये डिवाइस कैन बी आइदर ए शेयरेबल डिवाइस और नॉन शेयरेबल डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क ड्राइव एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर शेयरेबल डिवाइसेज बिकॉज दे कैन हैंडल सक्सेसिव रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस, ठीक है। तो शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे भाई एक कंप्यूटर में आप एक साथ कई काम करते हैं ना, आप लोग करते भी होंगे, ठीक है, प्रोग्राम भी रन कर रहा है, उधर प्रिंटआउट भी निकल रहा है, उधर आप डेटा इनपुट भी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी डिवाइस शेयरिंग के लिए यूज हो सकती है और अलाउ है कि नहीं है। तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, जनरली जो हम लोग अपने स्मॉल ऑफिसेज में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जनरली एक ही हार्ड ड्राइव होती है ना। अब उसी एक हार्ड ड्राइव को हम यूज़ करते हैं मेनी प्रोसेसेस के लिए, कई प्रोसेस जो हम उस पर कर रहे हैं, जैसे गाना भी सुन रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम भी रन करा रहे हैं, साथ ही कोई फाइल हमने दिया वो प्रिंटआउट भी निकल रहा है, तो कई प्रोसेसेस के लिए एक ही हार्ड डिस्क यूज होती है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। अब आप नेक्स्ट आ जाइए, अभी इस पर काफ़ी भीड़ हो गई है स्लाइड पे, रह गया बफरिंग और स्पूलिंग। तो अब आप आ जाइए बफरिंग। बफरिंग क्या होता है, बफरिंग में क्या होता है, बफरिंग इज ए टेक्निक ऑफ ओवरलैप प्रोसेसिंग वेयर इन टू एरियाज ऑफ मेन मेमोरी आर सेट असाइड एंड डेजिग्नेटेड एज इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर। देखिए बफरिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ऐसे समझिए आप, ठीक, ये है आपका कंप्यूटर, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो मेन मेमोरी है उसका कुछ पोर्शन, कुछ एरिया हमने लोकेट कर दिया, इसको हमने कह दिया बैक बफर, और कुछ एरिया हमने लोकेट कर दिया उसको हमने नाम दे दिया, अच्छा उसको भी हमने दे दिया बैक बफर, ठीक। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हमने एरिया एलोकेट कर दिया, और इन दोनों को मिला के हमारा ये एरिया बन गया फ्रंट बफर, फ्रंट बफर। और उसके बाद यहां से ये चला जाएगा किस में, मॉनिटर में, अपना बना लीजिएगा मॉनिटर जैसे भी है, ये हो गया मॉनिटर, ठीक। तो बफरिंग का यही मतलब होता है, मैं इसकी डेफिनेशन फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि बफरिंग इज ए टेक्निक ऑफ ओवरलैप प्रोसेसिंग वेयर इन टू एरियाज ऑफ मेन मेमोरी आर सेट असाइड एंड डेजिग्नेटेड एज इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर। दीज बफर्स आर यूज फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डाटा रिस्पेक्टिवली।
तो बफर एरिया जैसे मेमोरी में आपने एलोकेट कर दिया, तो टाइम बीइंग के लिए डाटा वहां पे इनपुट होगा या डाटा वहां से आउटपुट होगा और फिर वो मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगा। तो इसीलिए इसको टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। द सीपीयू इनिशिएट्स एन इनपुट ऑपरेशन बाय सेंडिंग ए सिग्नल टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिटर्न्स टू द अदर प्रोसेसिंग। तो मेन यही है कि बफरिंग का मतलब क्या है कि मेमोरी में कुछ एरिया हम टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम डाटा इनपुट करते हैं या डाटा वहाँ से आउटपुट करते हैं और उसके बाद फिर वो एरिया खाली हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। अब उसका लास्ट आपका रह गया स्पूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑनलाइन, इसको लिख लीजिएगा आप, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑनलाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द बफरिंग हेल्प्स इन ओवरलैप प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेम प्रोग्राम और जॉब। द स्पूलिंग ऑन द अदर हैंड हेल्प्स इन ओवरलैप प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम और जॉब। यानी देखिए बफरिंग में क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम रन करता है, एक ही प्रोग्राम या एक प्रोसेस, उसी के डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बफरिंग होती है वो एक प्रोग्राम नहीं, मोर देन वन प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम और प्रोसेस, ठीक है, या प्रोग्राम कह लीजिए या प्रोसेस की बजाय सही ज्यादा सही वर्ड है जॉब्स। तो बफरिंग में और स्पूलिंग में केवल इतना डिफरेंस होता है कि बफरिंग में जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया एलोकेट होता है वो एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट के लिए, ठीक। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है पी, अब इसके कई, इसको हमने कई पार्ट में तोड़ दिया तो वो प्रोसेस हो गया। तो ये पी वन प्रोसेस, पी टू प्रोसेस, पी थ्री प्रोसेस, पी फोर प्रोसेस, एक ही प्रोग्राम को हमने चार पार्ट में तोड़ दिया और इसके लिए हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया, इसके लिए एलोकेट कर दिया टेम्पररी बेसिस पे, इसके लिए एलोकेट कर दिया, इसके लिए एलोकेट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हुआ बफरिंग, समझ रहे हैं। और स्पूलिंग में क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम या जॉब्स है, जैसे आपने कहा आपके पास एक प्रोग्राम है पी, ठीक, एक प्रोग्राम है आपके पास Q, एक प्रोग्राम है आपके पास R। अब इसको आपने अलग अलग पार्ट्स में, मान लीजिए प्रोसेसेस में डिवाइड किया हुआ है, समझ रहे हैं। अब ये मान लीजिए P1, P2, P3, P4, ये सपोज कीजिए Q1, Q2, Q3, ये सपोज कीजिए R1, R2, R3, R4 और R5। तो अब ये जो प्रोसेस हो गए, ये इस प्रोग्राम का हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो इसके लिए भी वही, जब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे हर प्रोसेस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो और टेम्पररी स्टोरेज, सॉरी टेम्पररी बेसिस पे एलोकेट करेंगे मेमोरी, तो ये भी स्पूलिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन अंतर ये हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम या जॉब इन्वॉल्व होते हैं और बफरिंग में केवल एक जॉब या उसको कह लीजिए एक प्रोग्राम इन्वॉल्व होता है, ठीक। तो इन सारे जो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, ये जितनी भी आपको प्रक्रिया हमने बताई अभी आपको, ये जो हमने सारा लिखा था आपका स्पीड से लेकर यहाँ तक, ये फिर से इस पे आ जाइए कि स्पीड, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, डाटा रिप्रेजेंटेशन, परमिसिबल ऑपरेशंस, एरर कंडीशंस, शेयरिंग, बफरिंग, स्पूलिंग, इन सबको मैनेज करने का काम, इन सबको स्मूथली इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये जो पहला फंक्शन इसका जो हमने बताया था डिवाइस मैनेजमेंट, वो कंप्लीट हो गया। अब कमिंग लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसेस मैनेजमेंट और सारी चीज़ें, अदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।